हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे गाइस। तो गाइस, आज हमारा जो वर्कआउट रहेगा डे 4 का वर्कआउट रहेगा और इसमें हम ट्रेन करेंगे अपने बैक को और बाइसेप्स को। टोटल जो हमारी रहेगी 7 एक्सरसाइज रहेगी, जिसमें 5 हम लोग बाइसेप्स की लगाएंगे और 2 एक्सरसाइज बैक की लगाएंगे। और डे 1, डे 2, डे 3 जो वर्कआउट था गाइस, उसको पूरा फॉलो करिएगा। कोई भी एक्सरसाइज उसमें गैप मत करिएगा, छोड़िएगा नहीं। डे 4 का भी वर्कआउट बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत ही, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहेगा, जो बैक और बाइसेप्स की एक्सरसाइज रहेगी डे 4 में, तो वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ अभी तक जितना भी मेरे डे 1, डे 2, डे 3 वर्कआउट था, तो आप लोग को उससे रिजल्ट भी अच्छा मिल रहा होगा और काफी अच्छी एक्सरसाइज भी लगी होगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए डे 4 का वर्कआउट करेंगे। पहले हम लोग बैक ट्रेन करेंगे, फिर बाइसेप ट्रेन करेंगे। जैसे डे 1 से लेकर डे 7 तक का जो वर्कआउट शेड्यूल है, मतलब पूरा वीक का जो वर्कआउट शेड्यूल है, तो मंडे को चेस्ट के साथ ट्राइसेप्स, बैक के साथ बाइसेप्स, ट्यूसडे को वेडनेसडे को डे 3 का जो वर्कआउट था वो रहेगा शोल्डर एंड लेग्स का वर्कआउट। तो डे 4 का वर्कआउट लगाएंगे, फिर बताएंगे डे 5 का, डे 6 का, उसी को ही रिपीटेड करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज चेंज होगी, वेरिएशन करेंगे। तो आज डे 4 का वर्कआउट करेंगे और अपने बिगिनर्स भाई को गाइस काफी हेल्प भी मिल रही होगी, मैं उम्मीद करता हूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए डे 4 का वर्कआउट चालू करते हैं। बैक की हम लोग 2 एक्सरसाइज करेंगे। जो पहली हमारी एक्सरसाइज रहेगी लेट पुल डाउन रहेगी, और लेट पुल डाउन की मैं ग्रिपिंग या पोस्चर सारी चीजें आप लोग को बता चुका हूं। तो इसके हम लोग लगाएंगे 4 सेट लगाएंगे, रेप रेंज रहेंगे, थोड़े रेप्स इसमें बढ़ाएंगे, 15 से 18 रेप्स आप करेंगे। हाँ गाइस, 15 से 18। तो पहला लेट पुल डाउन लगाएंगे, देन उसके बाद में रिवर्स लेट पुल डाउन लगाएंगे। 1, 2, 3 4 सेट रहेंगे इसके, रेप रेंज 15 से 18 15 से 18 15 से 18। वेट आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उठाइएगा, किसी को देख के बराबरी मत करिएगा, अपने वेट अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उठाइएगा। तो सारी एक्सरसाइज की मैं एक एक ही सेट बताऊंगा, क्योंकि फिर वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। जो हमारी दूसरी एक्सरसाइज रहेगी रिवर्स लेग पुल डाउन रहेगी। अब इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है, इसके भी 4 सेट लगाएंगे, रेप रेंज 15 से 18 15 से 18 15 से 18। रिवर्स लेग पुल डाउन की जो ग्रिप आप रखेंगे, तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आप इसमें नॉर्मल से अपना जो हैंड है ना, इसकी ये ग्रिप आप ये रखोगे और दूसरे हाथ की भी है। अब इसमें आप क्या करोगे ना, बहुत सारे लोग ये पकड़ते हैं, ये नहीं करना आपको, आपको रिवर्स ग्रिप लेनी है ये और फिर ये। इसमें आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं, बराबर एंगल रखिएगा और फिर इस पे जब बैठिएगा सेम वही आप चेस्ट को लिफ्ट करके रखेंगे, लोअर बैक इन लाइक 1, 2, 3, 4, 5 बैक पे पूरा कॉन्ट्रैक्ट करिएगा आप लोग। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 लेट पुल डाउन हो या रिवर्स लेट पुल डाउन हो, इसमें आप लोग एक चीज खास करके ध्यान रखेंगे, आप जो बारबेल को पकड़ते हैं ठीक है, आप उसको खींच के तो जोर से ले आएगा, लेकिन जब आप उसको रिलीज करेंगे, जब छोड़ेंगे, तब थोड़ा कोशिश करेगा स्लोली स्लोली छोड़ेंगे। मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट करके दिखा रहा हूं आपको वीडियो, ताकि ज्यादा लंबा ना बने। तो ये थी हमारी 2 बैक की एक्सरसाइज, लेट पुल डाउन एंड रिवर्स लेट पुल डाउन। दोनों के सेट 4 लगाएंगे और रेप रेंज 15 से 18 15 से 18। वेट आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। हम लोग लगाएंगे अपनी बाइसेप्स की 5 एक्सरसाइज, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो मैं वो 5 एक्सरसाइज आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूं। तो आप लोग उसको फॉलो करिएगा, रिजल्ट्स भी आपको काफी अच्छा देखने को मिलेगा और आपकी मसल ग्रोथ भी अच्छे से होगी। तो सबसे जो पहला हमारा सेट रहेगा बारबेल कर्ल रहेगा, स्ट्रेट बारबेल लेंगे, तो उसके लगाएंगे हम लोग 4 सेट, रेप रेंज 10 से 12 10 से 12 10 से 12। इसमें लेकिन कोशिश करिएगा वेट आप थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जरूर जाइएगा, जैसे मैं हमेशा बताता आया हूँ 2.5 kg इंक्रीज जरूर करिएगा, 5 भी कर सकते हो, लेकिन पहले हल्का ही हल्का बढ़ाएंगे। तो चलते अपनी पहली एक्सरसाइज की तरफ, बारबेल कर्ल। सबसे पहली एक्सरसाइज हमारी जो रहेगी बारबेल कर्ल, इसमें मैंने 5 फीट की बारबेल ली है, आप 3 फीट भी ले सकते हो, 2 फीट भी ले सकते हो, लेकिन इस पे आपका लोड मसल्स पे, जो बाइसेप्स का मसल्स रहेगा उस पे लोड काफी अच्छा पड़ेगा। और मैं पहला ही सेट देखिए मैं खाली रॉड लगा रहा हूं, जिससे मेरा बारबेल कर्ल अच्छा हो जाए। ग्रिप आप शोल्डर से थोड़ा आउट लेंगे लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6,
एल्बो को मूवमेंट बिल्कुल नहीं करेंगे। 10 पहला जो सेट लगाया ना मैंने खाली बार बार लगाई है, ये आपका वार्मअप थोड़ा अच्छे से बाइसेप पे फेल करवाएगा। अब इसमें डालेंगे हम लोग वेट। मैंने जो वेट इंक्रीज किया ना डायरेक्ट 5 केजी किया है, बट आप लोग बिगनर जो मेरे भाई हो 2.5 से स्टार्टिंग करिएगा, 5 से भी कर सकते हो, बस आपकी एल्बो मूवमेंट ना हो उसमें। 1 2 3 ये थी हमारी बारबेल कर्ल एक्सरसाइज। इसके आप लोग 4 सेट लगाएंगे रेप रेंज 10 से 12 10 से 12 10 से 12। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, आपका एल्बो मूवमेंट ना हो, इस चीज का खास कर ध्यान रखिएगा। भले थोड़ा टाइम ले लीजिएगा एक्सरसाइज में, बट एक्सरसाइज सही करनी है, गलत नहीं करनी हम लोगों को। दूसरी जो हमारी एक्सरसाइज रहेगी डम्बल कर्ल, और डम्बल कर्ल हम लोग नीचे से पूरा रोटेट करके लगाएंगे लाइक ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 17 नीचे बिल्कुल आराम आराम से आप रिलीज करोगे। 18 19 20 डंबल कर्ल की जो हमारी एक्सरसाइज रहेगी 3 सेट इसके लगाएंगे, इसके रेप रेंज 10 से 12 10 से 12 10 से 12। बारबेल कर्ल का क्या था, 4 सेट थे, रेप रेंज थी 10 से 12 10 से 12, और डंबल कर्ल जो हमारा रहेगा स्टैंडिंग डंबल कर्ल आप बैठ के भी लगा सकते हो। तीसरी जो हमारी एक्सरसाइज रहेगी गाइस वो रहेगी प्रेशर कर्ल, और ये आपके पिक के लिए बहुत बेस्ट एक्सरसाइज रहेगी। इसके जो हम लोग सेट लगाएंगे 4 सेट लगाएंगे, रेप रेंज 10 से 12 10 से 12 10 से 12। इसमें आपको थोड़ा वेट हैवी लग सकता है, तो आप अपने पार्टनर को या किसी को सपोर्ट के लिए जरूर खड़ा कर दीजिएगा, और इसका पोस्चर सही देखिएगा कैसे करते हैं। पिक के लिए बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है प्रीचर कर्ल। पिक मतलब गुल्ली, जिसको गुल्ला बोलते हो आप लोग। इसकी ग्रिपिंग देखिए, शोल्डर से थोड़ी इन रखेंगे और एल्बो को थोड़ा अंदर मूवमेंट करेंगे लाइक ये, और नीचे बिल्कुल स्लोली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और नीचे बिल्कुल आराम से आप जो रखेंगे ना बारबेल को, एकदम आराम से रखेंगे। एक चीज और बतानी, बहुत सारे जो जिम में रहते हैं ना वो अलग मशीन रहती है जिसमें प्लेटेड वाली होती है ना, जो ऑलरेडी एडजस्ट वेट वाली रहती है, तो आप उससे भी लगा सकते हो, या अलग से ऐसी मशीन हो जिसमें अलग से बारबेल में वेट डाल के करना पड़े वैसे भी लगा सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके हम लोग 4 सेट लगेंगे प्रेशर में, और रेप रेंज 10 से 12 10 से 12। अभी मेरे को भी 15 दिन एक्सरसाइज लगाते हुए गाइस, और बॉडी रिकवर हो रही है, क्योंकि मैं इस समय वेज डाइट पे चल रहा हूं, नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं चल रहा मेरा, एग भी नहीं चल रहा है, तो इस समय सिर्फ जो है ना वेजिटेरियन डाइट ले रहा हूं, तो रिकवरी होगी, धीरे धीरे होगी, अभी कोई सप्लीमेंट भी नहीं चल रहा है मेरा, तो आप लोग के साथ डाइट भी मैं शेयर करूंगा आगे चल के आपको बताऊंगा। चौथी जो हमारी एक्सरसाइज रहेगी डंबल हैमर कर्ल रहेगी, और इसका भी पोजिशन में पहले बता चुका हूं आप लोग को, तो हैमर के 4 सेट आप लोग लगाएंगे रेप रेंज 10 से 12 10 से 12 10 से 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये थी हमारी डंबल हैमर कर्ल एक्सरसाइज, जो आपके बाइसेप्स के साइज मेंटेन रखती है, जो साइड से आपका बाइसेप्स काफी अच्छा दिखता है, काफी बड़ा दिखता है साइज। तो इसके हम लोग 4 सेट लगाएंगे, रेप रेंज वही 10 से 12 10 से 12 10 से 12। रैप्स और सेट जो भी है मैं आपको नीचे स्क्रीन पे मेंशन भी कर रहा हूं, आप लोग देख भी पा रहे होंगे। तो अब हम लोग चलेंगे हमारी बाइसेप्स की लास्ट एक्सरसाइज की तरफ, जो बहुत सारे लोग इग्नोर मारते हैं इस एक्सरसाइज को। 5वीं जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज रहेगी बाइसेप्स की,
रिवर्स बार्बल हैमर कर्ल, रिवर्स बार्बल हैमर कर्ल। ये बहुत सारे लोग इग्नोर मारते हैं ये वाली एक्सरसाइज को, बट मेरे को नहीं पता क्यों इग्नोर मारते हैं। ये बिल्कुल बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बाइसेप्स की, बिकॉज इसमें आपका फोर आर्म्स भी ट्रेंड होता है। हाँ गाइस, बाइसेप्स के साथ फोर आर्म्स भी। अब इसमें आप जो ग्रिप रखेंगे सारे बार्बल में सिंबल आपको मिलेंगे, उससे थोड़ा अंदर ग्रिप रखेंगे और ये सामने रखेंगे हाथ को, और ये पूरा रेंज ऑफ मोशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसमें आप लोग क्या करेंगे ना, तीन सेट रखेंगे और रेप रेंज रखेंगे, थोड़ा इसमें रेप्स बढ़ा देंगे, जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया था बैक में 15 से 18। वेट अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आपको उठाना है, ना कि ज्यादा ना कि कम। ये नहीं कि बहुत सारे लोग गलती ये भी करते हैं कि बारबल उठा लिया और पोजीशन से मतलब ना हो, पोस्चर से मतलब ना हो, सेट लगने से मतलब हो, तो बहुत सारे लोग ये भी करते हैं, तो आप लोग ये मत करिएगा, ये रॉन्ग पोजीशन है। बिल्कुल आपको सीधा खड़ा होना है चेस्ट लिफ्ट करके, और ये 1 नीचे स्लोली 2 3, इस हिसाब से आपको ट्रेन करना है। ये चीज खास कर ध्यान रखिएगा। बाकी आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा जो भी दिक्कत परेशानी हो, या जो भी मैं कुछ चीज भूल रहा हूँ आप लोग को बताने में, मेरे को नहीं लगता मैं कुछ भूल रहा हूँ, तो आप लोग कमेंट भी कर दीजिएगा। जो भी आपको डाइट से रिलेटेड या वर्कआउट से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो, तो मैं हो सकेगा उससे अच्छा आपको और अच्छा रिस्पॉन्स दे सकूँ और अच्छी एक्सरसाइज बता सकूँ। तो ये थी हमारी बाइसेप्स की 5 एक्सरसाइज और बैक की 2। ये पूरा हमारा जो था डे 4 का वर्कआउट था। उम्मीद करता हूँ आज का भी वर्कआउट शेड्यूल आप लोग को ज़्यादा हेल्प करेगा, ज़्यादा पसंद आया होगा। तो इसी के साथ डे 4 का वर्कआउट हमारा हो गया कंप्लीट, मिलेंगे अपने डे 5 में। तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बिकॉज ब्लॉग और आपको जिम के वीडियोस दोनों मिलेंगे। तो चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में या वीडियो में, तब तक के लिए ओके टाटा बाय, टेक केयर और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।